मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में बसा लगभग 1000 साल पुराना ककन मठ मंदिर एक ऐसा मंदिर है जिससे जुड़े रहस्य आज भी लोगों को अचंभित करते हैं। भगवान शिव को समर्पित इस प्राचीन मंदिर को लेकर कई तरह के किस्से कहानियां प्रचलित हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में कच्छप घात राजा कीर्ति राज के शासनकाल में हुआ था। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेशानुसार भूतों द्वारा केवल एक रात में किया गया था, लेकिन ये कभी पूरा नहीं बन पाया। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन ये अधूरा मंदिर अपने आप में बेहद अनोखा है। चंबल के बीहड़ में स्थित इस मंदिर को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे ये अभी गिर जाएगा। लेकिन हैरानी की बात ये है कि बड़े से बड़े आंधी तूफान भी इस मंदिर के मुख्य परिसर को टस से मस नहीं कर पाए। ये अद्भुत मंदिर चूने और गारे के इस्तेमाल के बिना पत्थरों को एक के ऊपर एक रख कर बनाया गया है। चौंकाने वाली बात ये है कि इस तरह के पत्थर आसपास के क्षेत्रों में कहीं भी नहीं मिलते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर के आसपास और भी कई छोटे मंदिर हुआ करते थे, जिनके अवशेष साफ तौर पर इस बात की गवाही देते हैं कि अपने समय में ये मंदिरों का समूह कितना भव्य रहा होगा। लगभग 115 फीट ऊंचे इस ककनमठ मंदिर के अंदर की गई नक्काशी बहुत ही अद्भुत है और इसकी दीवारों पर आपको अलग अलग देवी देवताओं की खूबसूरत मूर्तियां देखने के लिए मिल जाएंगी। न दरवाजे न खिड़कियां, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बने इस बेहद डरावने मंदिर का गिरने का डर हमेशा बना रहता है। लेकिन सदियां गुजर गईं और आज तक ये गिरा नहीं है, भले ही ये मंदिर दुनिया के 7 अजूबों में शामिल ना किया गया हो। लेकिन इस रहस्यमय ककनमठ मंदिर के बारे में जो कोई भी सुनता है वो एक बार इसे जरूर देखना चाहता है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ इस बेहद रहस्यमय और ऐतिहासिक ककनमठ मंदिर में, जिसको हाथ लगाने से वैज्ञानिक और ASI के अफसर भी डरते हैं। तो ककनमठ मंदिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सिहोनिया नाम के गांव में स्थित है और इसकी दूरी मुरैना से 34 किलोमीटर, धौलपुर से 60 किलोमीटर और ग्वालियर शहर से 58 किलोमीटर की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस मंदिर का निर्माण सन 1015 से 1035 के बीच में कच्छप घात शासक राजा कीर्ति राज ने करवाया था। ऐसा बताया जाता है कि राजा कीर्ति राज की रानी ककनावती भगवान शिव के बहुत बड़ी भक्त थीं। आसपास के क्षेत्र में भगवान शिव का कोई मंदिर ना होने की वजह से रानी को भगवान शिव की उपासना करने में बहुत मुश्किल होती थी। इसी वजह से राजा ने इस शिव मंदिर का निर्माण करवाया था और इसका नाम ककनमठ उन्होंने रानी ककनावती के नाम पर ही रखा था। आप देखेंगे कि ये मंदिर एक ऊंचे मंच पर बना हुआ है और कुछ सालों पहले तक ये कई सारे छोटे छोटे मंदिरों से घिरा हुआ था। हालांकि वो मंदिर तो आपको अब यहाँ नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी उनके अवशेषों को आज भी यहाँ देखा जा सकता है। कहा जाता है कि यहाँ एक ऐसा भूकंप आया था जिसके कारण यहाँ बने सारे मंदिर ध्वस्त हो गए थे, लेकिन इस रहस्यमय ककनमठ मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। यही नहीं, बल्कि यहाँ कई मुस्लिम शासकों ने आक्रमण करके इसे तोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो भी विफल रहे और चंबल के बिहाड़ों में बना लटकते हुए पत्थरों पर टेका यह ककनमठ मंदिर आज भी वैसे का वैसा ही खड़ा हुआ है। ये रहस्यमय मंदिर काफी दूर से ही दिखाई देने लगता है और आप जैसे जैसे इसके नजदीक जाएंगे इसका एक एक पत्थर लटकते हुए दिखाई देने लगता है, जो कि मन में एक अलग सी दहशत पैदा करता है। इस मंदिर के बारे में कमाल की बात तो ये है
कि जिन पत्थरों से ये मंदिर बना है वो आसपास के इलाके में कहीं नहीं पाए जाते हैं। इस मंदिर के गर्भगृह में एक प्राचीन शिवलिंग विराजमान है, जिसके पीछे ये तर्क दिया जाता है कि भगवान शिव का एक नाम भूतनाथ भी है। भोलेनाथ न सिर्फ देवी देवताओं और इंसानों के भगवान है, बल्कि उनको भूत प्रेत और दानव भी भगवान मानकर पूजते हैं। पुराणों में लिखा है कि भगवान शिव की शादी में देवी देवताओं के अलावा भूत प्रेत भी बाराती बनकर आए थे। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण भगवान शिव के आदेशानुसार हुआ था और इसको बनाने का कार्य भूतों को सौंपा गया था और उन्हें ये काम एक रात में पूरा करना था। स्थानीय लोगों का कहना है कि मंदिर बनते बनते सुबह होने से पहले ही जब गांव की किसी महिला ने आटा पीसने के लिए चक्की चलाई तो उसकी आवाज सुनकर भूत वहां से भाग गए और मंदिर का काम अधूरा रह गया। और इसी वजह से आसपास में बहुत से पत्थर भी इसके परिसर में पड़े दिखाई देते हैं। मंदिर के शीर्ष पर एक बहुत भारी पत्थर रखा गया है जिसका वजन कई टनों के बराबर है, जिसे देखकर ये कहा जा सकता है कि ऐसा करना किसी मनुष्य के लिए संभव नहीं था और इसीलिए इस कथा में लोगों को सच्चाई नजर आती है। हालांकि पूरा तत्व के जानकार लोगों का कहना है कि एक रात में ये मंदिर बन गया हो, इस कहानी पर ज्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। खजुराहो शैली में निर्मित 115 फीट ऊंचा ये ककनमठ मंदिर खूबसूरत कला का बेजोड़ नमूना है और इसके निर्माण में पत्थरों को जोड़ने के लिए चूने और गारे का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि पत्थरों को एक दूसरे से सटा कर रखा गया है। जब वैज्ञानिकों ने इस मंदिर का निरीक्षण किया तो वो भी हैरान थे कि आखिर बिना गारे और चूने से इस मंदिर का निर्माण कैसे किया गया होगा और कैसे ये मंदिर लगभग हजार साल से जस का तस अपने स्थान पर खड़ा है। इस मंदिर की सीढ़ियों के पास भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने एक पत्थर पर इसका संक्षिप्त इतिहास लिखा है, जिसमें बताया गया है कि ककनमठ मंदिर के नाम से विख्यात ये अद्भुत मंदिर भगनान सेथा में भी अपने मूर्ति शिल्प को संजोए हुए है। एक बड़े चबूतरे पर बने इस मंदिर की वास्तु योजना में गर्भगृह, स्तंभ युक्त मंडप और एक आकर्षक मुख्य मंडप है, जिसमें प्रवेश करने के लिए सामने की ओर में सीढ़ियां बनाई गई हैं। गर्भगृह के अंदर एक शिवलिंग स्थापित है और इस गर्भगृह के ऊपर बना विशाल शिखर लगभग 100 फीट ऊंचा है। यहाँ की कला और बड़ी बड़ी शिलाओं को देखकर पर्यटक भी इस मंदिर की तारीफ करने से खुद को नहीं रोक पाते हैं। बताया जाता है कि इस मंदिर की परिक्रमा भी पत्थरों से पटी हुई थी, लेकिन मुस्लिम शासकों ने इस पर तोपों से हमला करके इसे तोड़ने की कोशिश की थी। कुछ जानकारों का ये भी कहना है कि जिस सदी में ये मंदिर बना है उसी काल में कई और भी मंदिर बनाए गए थे, लेकिन ककनमठ सबसे अद्भुत और रहस्यमय है। 11वीं शताब्दी के इस मंदिर में आपको हर तरफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां दिखाई देंगी, जो कि आपको खजुराहों में बनाई गई प्रतिमाओं की याद दिलाएंगी। इसमें से कई सारी मूर्तियां आपको टूटी हुई अवस्था में दिखाई देंगी। ऐसा माना जाता है कि इन मूर्तियों को अलग अलग समय में युद्ध के लिए आए शासकों ने तोड़ दिया था। वैसे तो इस मंदिर को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने संरक्षित स्मारकों की सूची में शामिल किया हुआ है, मगर मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन की उपेक्षा के चलते पर्यटक कभी कभार इस मंदिर तक आ तो जाते हैं, लेकिन सुविधाओं के अभाव में वो खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं। वैसे तो ककनमठ मंदिर की देखरेख अब भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी कि ASI कर रही है, लेकिन अफसरों को ये डर रहता है कि अगर इस मंदिर को छेड़ा गया तो इसके गिरने की संभावना है, क्योंकि इसके पत्थर एक के ऊपर एक रखे गए हैं। इसी वजह से उन्होंने इस मंदिर के संरक्षण कार्य से दूरी बना ली है, तो न दरवाजे न खिड़की, सिर्फ पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर बना ये मंदिर यहाँ आने वाले हर इंसान को भयभीत जरूर करता है।
अनेकों रहस्यों को समेटे इस ककनमठ मंदिर से जुड़ी बातें महज कहानियां हैं या हकीकत, इसकी पुष्टि कर पाना तो मुश्किल है, लेकिन इस मंदिर को देखने वाला हर पर्यटक दंग जरूर रह जाता है। तो ये था मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में स्थित ककनमठ मंदिर और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।